कटहल की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम कटहल को साफ करके इसे धो लिए हैं, और ये छोटे साइज़ की कटहल है, और इसे हम 3 सीटी आने तक नमक डालकर बॉईल कर लेंगे। इसे हम बॉईल कर लेंगे 3 सीटी आने तक। और अब हम इस हमारा कटहल बॉईल हो चुका है, और हम एक पैन में तेल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल। और ये देखिए कटहल हमारा बॉईल हो चुका है। इसे हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, इस तरह से काट लेंगे। ये बहुत छोटे साइज का कटहल होता है, इसलिए इसमें बीज नहीं होता है। अब इसे हम रिफाइंड ऑयल में थोड़ी देर लाल होने तक भून लेंगे। इसकी सब्जी बिल्कुल मटन की तरह बनती है। आप इस तरह से बनाएं, बहुत टेस्टी सब्जी लगती है ये। सारे कटहल को बिल्कुल लाल होने तक भून लेंगे। कटहल हमारा रेडी हो चुका है, भून चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे, और इसी पैन में हम सरसों का तेल डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा खड़ा मसाला डालेंगे, जिसमें लौंग, इलायची और तेज़पत्ता और जीरा है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, ये हमारा 3 प्याज है मीडियम साइज का, जिसे हम लंबे साइज में काट लिए हैं, और इसे हम लाल करके भूनेंगे। प्याज हमें लाल करके भूनना है। अब प्याज हमारा थोड़ा भून चुका है, थोड़ी से इसे और भून लेंगे हम। अब देखिए प्याज हमारा करीब भून ही चुका है। अब हम इसमें कटहल डाल देंगे, जो हमने पहले से भून के रखा है, उसे हम प्याज के साथ भूनेंगे। इसे हम प्याज के साथ भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। अब हम इसमें एक टमाटर बारीक कटा हुआ डाल देंगे, और इसे मिक्स कर लेंगे, और इसे हम ढक के पकाएंगे। टमाटर, प्याज और कटहल अच्छे से भून जाने चाहिए। टमाटर बिल्कुल गल जाएगा, और इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे, और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे, और इसे ढक के पकाएंगे। ये देखिए टमाटर गल चुका है। इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच, और इसे मिक्स कर लेंगे एक बार, और इसे ढक देंगे। अब इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, और गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, और इन्हें मिक्स कर लेंगे। टमाटर हमारा बिल्कुल गल चुका है, टमाटर का पता भी नहीं चल रहा है, गल गया है वो बिल्कुल। इसे ढक देंगे, अब चेक कर लेंगे। ये देखिए टमाटर का बिल्कुल पता नहीं लग रहा, वो अच्छे से भून चुका है। इसमें हम पानी डाल देंगे, अब इसे मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम 1 आलू बॉईल किया हुआ डालेंगे। आलू हमने पहले से बॉईल करके काट के रखा है, इसे हम कटहल के साथ ही भून लेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे, और
अभी थोड़ा पानी डाला है हमने, इसे ही ढक के पकाएंगे। इसमें लाल मिर्चा डालेंगे 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर को हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढक देंगे अच्छी तरह से उबाला आने तक। ये देखिए सब्जी हमारा बॉयल हो चुका है और पक चुका है। इसमें हम धनिया की पत्ती बारीक कटा हुआ डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसे हम सर्व कर लेंगे। इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि कटहल को उबाल के पहले ही से पक जाता है वो। और ये देखिए, और खाने में ये बिल्कुल मटन की तरह लगता है और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। और छोटे वाले कटहल की सब्जी इस तरह से आप ज़रूर बनाएं। इसमें बीज नहीं होता है, ये देखिए कितनी आसानी से टूट रहा है, पक चुका है बिल्कुल। ये खाने में बिल्कुल मटन का स्वाद आता है। इसे आप चावल के साथ खाएं या फिर पराठे के साथ खाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।